लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें यहाँ सरकारी निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों को, आपको बता दें कि लोहिया संस्थान में दो दिन बिना डोनर मिलेगा ब्लड। आपको बता दें कि सरकारी निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों को ब्लड मिलेगा और इसके साथ ही तीमारदारों को डॉक्टर का पर्चा लेकर आना होगा अनिवार्य। सुबह 9 बजे से शुरू होगी ये सुविधा। अमृत महोत्सव के तहत संस्थान के ब्लड बैंक में दी जा रही ये सुविधा। बिना डोनर के भी उपलब्ध होगा ब्लड बैंक ब्लड। सरकारी निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिलेगा ब्लड। तीमारदारों को डॉक्टर का पर्चा लेकर आना होगा अनिवार्य। सुबह 9 बजे से ये सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दें खबर लखनऊ से है, जहां पर लोहिया संस्थान में दो दिन बिना डोनर के ब्लड मिल पाएगा। आपको बता दें कि सरकारी निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों को ये बिना डोनर के ब्लड मिलेगा। तीमारदारों को डॉक्टर का केवल पर्चा लाना होगा। सुबह 9 बजे से ये सुविधा उपलब्ध की जाएगी। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश त्रिपाठी जी। दिनेश जी, ये जो अमृत महोत्सव के चलते ये निर्णय लिया गया है कि अब ब्लड बैंक जो है वहां पर बिना डोनर के ब्लड मिलेगा, इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? जी स्वाति, आपको बता दूं, आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के अवसर पर राजधानी लखनऊ के लोहिया संस्थान द्वारा दो दिन तक बिना डोनर के ब्लड बैंक ब्लड मरीजों को देगा। पहले ब्लड के लिए लोगों को, मरीजों के गार्जियंस को बड़ी समस्या होती थी, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव को उत्तर प्रदेश सरकार के आह्वान पर लोहिया संस्थान द्वारा यह सुविधा आम जनमानस को लोहिया संस्थान देगी। सुबह 9 बजे से शुरू होगी यह व्यवस्था और अगले दो दिन तक के लिए यह व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्थान के ब्लड बैंक से यह सुविधा दी जा रही है। मरीजों के तीमारदारों को डॉक्टर का पर्चा लेकर जाना होगा अनिवार्य। आपको बता दूं कि केवल मरीजों को उनके गार्जियन जो भर्ती अस्पताल में है उनका पर्चा लेके डॉक्टरों के लोहिया संस्थान के डॉक्टरों से मिलना होगा। उसके बाद डॉक्टर और वहां के कर्मचारी अधिकारी इस व्यवस्था को उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। आपको बता दूं कि आजादी के अमृत महोत्सव पर लोहिया संस्थान द्वारा यह निर्णय लिया गया है और ये आज 9 बजे से शुरू भी हो गया है और इससे पहले और ऐसे भी कई प्राइवेट संस्थान अस्पताल भी हैं जो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस तरह की सुविधाएं आम जनमानस को देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में ये आजादी का 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जहां एक तरफ तिरंगे को अपने सम्मान से जोड़कर तिरंगा यात्रा विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस क्रम कड़ी में आगे दिखता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहीं किसी अस्पतालों में मरीजों की फ्री जांच कर रहा है तो कहीं ब्लड भी फ्री ऑफ कास्ट बिना डोनर के ब्लड भी दे रहा है। तो लोहिया संस्थान एक पहला संस्थान है, सरकारी संस्थान है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया है। जी, इस जानकारी के लिए धन्यवाद दिनेश जी, पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको बता दें कि अब सुबह 9 बजे से शुरू होगी ये सुविधा, जहां पर ब्लड बैंक के द्वारा, लोहिया संस्थान के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ब्लड बैंक में लोगों को